हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं सेवइयाँ, नमकीन सेवइयाँ। तो किस तरीके से हम बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, बनाने की तैयारी कर ली है मैंने। तो यहाँ पर टमाटर लिया है, हरी मिर्च लिया है, प्याज लिया है, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ली हैं, और इधर मैंने रख दिया गैस पर कढ़ाई। तो इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। तो तेल गरम हो रहा है, इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तो तेल हो रहा है गरम, और अब डाल दे रही हूँ मैं हींग जीरा। तो तेल गरम हो चुका है और मैंने डाल दिया है हींग जीरा, प्याज, तो यहाँ पे प्याज भुन चुकी है। और ना अब डाल दे रही हूँ मैं टमाटर, ये मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी है। और अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें आलू खाना पसंद है तो आलू डाल सकते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में। और अगर आलू डालने हैं तो बिल्कुल ही पतले पतले चिप्स जैसे पीस बना के डालना है। चिप्स से थोड़े हल्के मोटे और ना बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मसाले भुन गए हैं और मैं डाल दे रही हूँ हरी मिर्च, और थोड़ा सा डाला है मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा डाला है लाल मिर्ची पाउडर, इसे भी मिला ले रही हूँ। और बहुत थोड़ा सा जरा सा मैंने डाला है गरम मसाला, और ना उसे भी अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए टमाटर, प्याज, अब सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। थोड़ा सा डाला इसमें मैंने पानी, और इसमें ना एक मिनट तक के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं इसे। जब इसमें खोल आ जाएगा तब मैं इसमें सेवइयाँ डालेंगे। और सेवइयाँ ना मैंने पहले ही फ्राई करके रख ली थी। तो यहाँ पे खोल आ चुका है और मैं डाल दे रही हूँ सेवइयाँ। और मैं ना बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको पकाएंगे, तभी ये एक ही एक हो जाएंगी। अगर ज़्यादा पानी में इनको पकाएंगे तो ये एकदम अच्छी नहीं बनेंगी। तो मैं ना मैंने बहुत कम पानी डाला है, और अब इसको ढक दे रही हूँ, लो फ्लेम पे पकाना है। थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है अभी, इससे सेवइयाँ नीचे तली में लगे ना। लो फ्लेम पे पकाएंगे इनको। तो सेवइयाँ बन चुकी हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेंगी, बिल्कुल मैगी वाली फीलिंग आएगी। और ये देखिए एकदम चिपकी नहीं है, जैसे एकदम वैसी हो जाती है ना, घुर सी जाती है, वो घुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। खाने में भी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दे देती हूँ बच्चों को। तो हमारे यहाँ पर ना मीठी सेवइयों से ज़्यादा ये वाली ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे वगैरह चाय से। और वैसे भी स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो हम लंच में बना देते हैं ये वाली सेवइयाँ, बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो दे देती हूँ बच्चों को।
तो नमकीन सेवइयाँ बनके हो गई हैं तैयार। अगर बताने या बनाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।